सो ये होने वाला है क्विक व्लॉग। मैं जा रहा हूँ आईआईटी दिल्ली मेरे भाई के कॉलेज में, या तो मैं नहीं पता हो तो मेरा भाई का कॉलेज है आईआईटी दिल्ली। एंड वहाँ पर एक आरडीवी करके इवेंट है, रेजिन डेविस, पता नहीं, मैं यहाँ पे एसएस डाल दूंगा। तो उस इवेंट में मैं जा रहा हूँ। आज है डे 2-3, पता नहीं कौन सा डे है, बट मैं और मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में नया बना है वो जा रहे हैं आईआईटी दिल्ली। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत है हमारे कॉलेज के आईडी कार्ड की। सो उस इवेंट में दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आएंगे, हम भी जा रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि वेब से और कोई आएगा। चलो यार मैं लेट हो गया, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। ये जो हरकत तू कर रहा है अंजाम इसका बहुत गलत होने वाला है। परफेक्ट। ऑलराइट पाल, सो अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं एंड मेरे दोस्त का 2-3 बार फोन आ चुका है, या लेट हो चुके हैं हम। वो पहुंच भी गया कश्मीरी गेट पे और मेरा वेट कर रहा है इस टाइम पर। एंड मैं बावलू की तरह बाइक पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऊपर से मेरे को उठना था 7 बजे, लेकिन मैं उठा कितने बजे? 10 बजे। 10:30 बजे हमें निकलना था, है ना, 11 बजे तक पहुँचना था, लेकिन गलती मुझसे क्या हुई, मैंने अलार्म स्किप कर दिया। या दैट्स द मिस्टेक आई डिड। वो बहुत बड़ी गलती थी एक्चुअली। और आज इंजॉय करते हैं अपनी आईआईटी का इवेंट, और खाने वाने की दिक्कत नहीं होने वाली। मेरी बातचीत हो गई थी मेरे भाई से और उसके दोस्त से भी, और आज संडे है तो मेट्रो में इतनी घिचपिच और भीड़ भी नहीं होने वाली, तो मजा आने वाला है बहुत। लेट्स गो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? सो मिल गया हमें हमारा दोस्त, वो उस साइड है क्योंकि वो रेड लाइट से आया है। ओह फक, या सो मेरे को इधर से जाना पड़ेगा उधर की तरफ, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने प्रेस्टीजियस आईआईटी दिल्ली ब्रो। क्या बोला तूने? प्रेस्टीजियस आईआईटी दिल्ली। सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े आ रहा। अरे भाई क्या है, हम पहुंच गए आखिरकार। येलो लाइट, लेट्स गो। ए लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी ब्रो। मेरे भाई ने धोखा दे दिया। वो पहले कह रहा वो बाहर आ रहा है, फिर एकदम से कह रहा कि आईडी वाईडी दिखा दे और अंदर आ जा। ये तो तगड़ा स्कैम था, और ये बहुत बड़ा स्किप है क्योंकि भाई बीच का दिखाने में उतना फायदा नहीं है, क्योंकि मेन तो आईआईटी ही दिखाना था। हां और अब भी क्या ही दिखा रहा हूं, ये तो रास्ता है आईआईटी अभी थोड़ी है। हम वो पीसी वाली वादियाँ, मजा आ रहा था भाई पर खेल के उधर बहुत। यार लिप्स में क्यों नहीं है ये सब, लेकिन यार कोई बात नहीं, आज आ गए, कम से कम आज आ गए ना, वही बड़ी बात है। कॉलेज के तो वो भी नहीं खेल पा रहे। यार भाई मिस कर दिया, मजा आ रहा है बट हमें तो अभी ये वाला कर रहे थे हम। मैं जीतता जीतता रह गया, देखो प्राइज ये, इसके लिए खुश हो रहे हैं। एक नया गेम वीआर खेलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हम आए हैं होल के अंदर। क्या होगा यहाँ पे? हाँ कंपटीशन, जो भी होगा होगा, मजा आएगा बस देखने में। वीआर तो देख नहीं पाए लेकिन वीआर करके ही जाएंगे। बता रहा हूँ दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। इसकी भाई 1.5 घंटा हो गया, कुछ हो तो रहा नहीं यहाँ पे। दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। Eventually. Perfect. Everything down to the last minute details. Perfect. Everything down to the last minute details. Perfect. Everything down to the last minute details.
Hey, pals. So, मैं घर आ गया हूँ एंड पंखा बंद कर लूँ वरना रेग्रेट रहेगा कि पंखा बंद क्यों नहीं किया। IIT एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ तुम्हें अच्छा मज़ा आएगा अगर तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। शुरुआत के 4 साल तुमने इतने सेक्रीफाइस किए हैं तो बाकी के 4 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो जो भी IIT के लिए पढ़ाई कर रहा है कृपया ध्यान में रखें कि भाई तुम्हारी पढ़ाई के 4 साल जो तुम सेक्रीफाइस करोगे वो वेस्ट नहीं होने वाले क्योंकि आगे के 4 साल इतने तबाहीदार होंगे मत पूछो। सो आज का इवेंट बहुत अच्छा था। ये इवेंट 5 तारीख से चल रहा था और इसमें दूसरे कॉलेज के बच्चे भी जा सकते थे लेकिन मेरे पास और कोई टाइम नहीं था तो मैं संडे ही चला गया। बहुत मज़ा आया। मैं व्लॉगिंग बहुत कम इसलिए कर रहा था क्योंकि जो मेन इवेंट चीज़ जो भी हम कर रहे थे वही दिखाना अच्छा था वरना फालतू की बातें चीज़ें दिखाना ना वो ब्लॉगिंग नहीं होती वो शिट ब्लॉगिंग हो जाती है फिर। अरे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ मैं। एनीवेज गाइस ये था एक क्विक व्लॉग IIT का। होपफुली तुम्हें भी मजा आया होगा इस व्लॉग के अंदर या छोटा सा व्लॉग था पसंद आया ही होगा। एनीवेज गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।